हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर 2018 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके डिफेंस के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर जाइए और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो से। सबसे पहले हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हैव रिसेंटली एमर्ज्ड एज टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन नीति आयोग्स SDG इंडिया इंडेक्स 2018। तो जो SDG रिपोर्ट आई, ठीक है, फिलहाल जो नीति आयोग ने SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर जो इंडेक्स आया, इसमें टॉप परफॉर्मर कौन सी स्टेट्स रही, तो हिमाचल प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, ये तीनों ही स्टेट्स जो हैं ये टॉप परफॉर्मर पर रही, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश जो हैं ये वर्स्ट परफॉर्मिंग यानी कि लास्ट में आए, तो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स रही इन द गवर्नमेंट थिंक टैंक्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया इंडेक्स। पहला ही इंडिया इंडेक्स हुआ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हुआ। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुछ एक पॉइंट थे, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल टर्म्स जो थी उनको ध्यान में रखते हुए, उनके ऊपर जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है उनको इवेलुएट करते हुए ये डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो निकाला गया था। तो इसमें टॉप परफॉर्मर थे हिमाचल प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, एंड लास्ट में थे जो आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और इसमें जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं सभी को देखा गया था, एंड फर्स्ट बेसलाइन रिपोर्ट जो है 2018 ये प्रिपेयर की गई थी विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर Agni-4 बैलिस्टिक मिसाइल, व्हाट इज द रेंज ऑफ द मिसाइल, ठीक है, स्ट्राइक रेंज क्या है। तो इसकी 4000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है, ठीक है, कौन सी, Agni-4 बैलिस्टिक मिसाइल की। इसको लॉन्च किया गया Complex-4 ऑफ द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है, जिसको पहले हम व्हीलर आइलैंड भी बोलते थे, ठीक है। 8:35 पर ये लॉन्च किया गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है, मोहिंदर प्रताप सिंह हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इंडिया की तरफ से नेक्स्ट एम्बेसडर जो हैं मंगोलिया के, ये चुने गए हैं मोहिंदर प्रताप सिंह, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसमें अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है इन्होंने अपॉइंट किया है मोहिंदर प्रताप सिंह जी को न्यू नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ मंगोलिया, ठीक है। और मोहिंदर प्रताप सिंह जी जो हैं ये अभी डायरेक्टर हैं एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द मिनिस्ट्री, ठीक है, और ये जल्दी ही जो है ये इस चीज़ के लिए चले जाएंगे, यानी कि ये एम्बेसडर के रूप में काम अपना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है वेदांगी कुलकर्णी, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था लेकिन इंपॉर्टेंट वन है तो मैं आपको फिर से करवा रहा हूँ। वेदांगी कुलकर्णी हैज रिसेंटली बिकम द फास्टेस्ट एशियन टू साइकिल द ग्लोब, शी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपने वेदांगी कुलकर्णी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया से हैं और इन्होंने ये जो है फास्टेस्ट एशियन बन गए हैं जिन्होंने जो ग्लोब जो है वो साइकिल के थ्रू कंप्लीट किया, ठीक है। ये 20 साल की हैं, 20 साल एज है इनकी, और वेदांगी कुलकर्णी जो हैं ये सबसे फास्टेस्ट एशियन बन गई हैं टू साइकिल द ग्लोब। और इन्होंने अगर बात की जाए कि इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, तो इन्होंने 29,000 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस था ये बाईसाइकिल के थ्रू कंप्लीट किया, और इन्होंने स्टार्ट किया था पर्थ से, ठीक है, जुलाई में, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन सिटी जो है यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट कर दिया ये रिकॉर्ड, ठीक है, वहाँ तक वापस जाके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रिकॉर्ड था कि इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ड्विजिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो ड्विजिंग फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाएगा आसाम में, 29th से ये स्टार्ट, यानी कि कल से ही, आज से सॉरी, ये स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें लगभग 15 लाख टूरिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और ये काफ़ी बड़ा एक फेस्टिवल होने वाला है जो आय रिवर जो है चिरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में यहाँ पर ये किया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपने याद रखना है कि जो आसाम के जो मिनिस्टर हैं, पावर हेल्थ इंजीनियरिंग जो मिनिस्टर हैं, ये रिहॉन डायमेरी, इन्होंने इनोग्रेट करना है इस फेस्टिवल को इन द प्रेजेंस ऑफ सेवरल डिग्निटेरीज।
ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज गॉट अ सेपरेट हाई कोर्ट दैट विल स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम जैन फर्स्ट। तो 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश का एक अलग जो है हाई कोर्ट बन बन जाएगा, और वो स्टार्ट करना बन तो गया हुआ है, लेकिन फंक्शन जो है उसका स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी से। तो आंध्र प्रदेश जो है इसका होगा अब एक अलग हाई कोर्ट। इससे पहले अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है ये तेलंगाना के साथ अपना जो हाई कोर्ट है ये हैदराबाद में शेयर करते थे। इन दोनों का जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो हाई कोर्ट था ये हैदराबाद में था, लेकिन अब जो है इनका जो हाई कोर्ट है ये सेपरेट होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बिन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल पार्क। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है, और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब मैंने आपको अगर डिफरेंस क्लियर करना हो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, तो देखिए है तो दोनों ही। यहाँ नेशनल पार्क में भी हम जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनको रखेंगे, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी हम उन्हीं को रखेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो ओपन होती है, यानी कि एक तरह से वहाँ पे एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो की जा सकती हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन ऐसे जाएगा तो वो मान लीजिए थोड़ी बहुत लकड़ी काटनी है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो जाता है, इतना मतलब चलता है यहाँ पे। लेकिन नेशनल पार्क में कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में कूनो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी इसको बना दिया गया है नेशनल पार्क। और इसके बारे में अगर हम और बात करें तो जो गुजरात के गिर में, ठीक है, गुजरात के गिर में जो एशियाटिक लॉयंस हैं उनको ट्रांसलोकेशन किया जाएगा, और इसलिए इसको नेशनल पार्क बना दिया गया है। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट ये न्यूज है आपके पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिन कॉन्फर्ड विद द तानसेन सम्मान फॉर 2018। तो तानसेन सम्मान जो है ये मंजू मेहता को दिया गया, और मंजू मेहता जो है ये सितार प्लेयर हैं, सितार बजाती हैं ये, और इनको दिया गया तानसेन सम्मान 2018 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द जूनियर डिबेट चैंपियनशिप एट द वर्ल्ड स्कॉलर्स कप हेल्ड एट येल यूनिवर्सिटी द यूएसए। तो ये जो है देखिए फिलहाल जो है जो आदि साई विजय करण है ये इंडिया की तरफ से गए थे जो जूनियर डिबेट चैंपियनशिप हुई वर्ल्ड स्कॉलर्स कप में, और इन्होंने यहाँ पर यूएसए में जो ये चैंपियनशिप हुई यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, सबसे कम एज में यंगेस्ट बन गए ये इसको जीतने वाले। ठीक है, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट अगर हम बात हाँ इसकी थीम क्या थी, जो ये चैंपियनशिप हुई इसकी थीम क्या थी, तो जो थीम थी ये थी एन इंटेंगल्ड वर्ल्ड डिप्लोमेसी ह्यूमन रिलेशनशिप द साइंस ऑफ मेमोरी एंड लिटरेचर आर्ट। तो ये थी इसकी जो थीम थी इस चैंपियनशिप की। एंड नेक्स्ट हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग फार्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैज रिसेंटली बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। तो जो रिकी पॉन्टिंग है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो रिकी पॉन्टिंग है, इनको लिया गया है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, और इनसे रिलेटेड अगर हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपको पता होगा राहुल द्रविड़ जी को भी हॉल ऑफ फेम में लिया गया था अभी रिसेंटली। और इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो रिकी पॉन्टिंग है इन्होंने अपनी कॉमेमोरेटिव कैप जो है वो किससे ली, तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेमर जो पहले से ही हॉल ऑफ फेम में आ चुके हैं ग्लेन मैकग्रैथ, इनसे ली इन्होंने अपनी कॉमेमोरेटिव कैप। तो ये तो हो गए हमारे डेली के कुछ करंट अफेयर, अब हम करते हैं हमारे पुराने करंट अफेयर। तो आज हम करेंगे यहाँ पे मार्च के करंट अफेयर का पार्ट 4। जैसे कि हम 10 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं तो ये हमारा मार्च का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम अप्रैल के करेंगे। तो मार्च के करंट अफेयर का जो पार्ट 4 है इसमें हमारे पास सबसे पहले है फ्रॉम विच कंट्री श्रीलंकन नेवी रिसीव्ड द सेकेंड एडवांस्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल। तो इंडिया से मिली है श्रीलंकन नेवी को जो सेकेंड एडवांस्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है AOPA। ठीक है, और AOPA जो है ये मार्च 22 को दी गई थी इंडिया की तरफ से श्रीलंकन को। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास है, यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारे पुराने करंट अफेयर है। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप करंट अफेयर वाले सेक्शन में जाइए, करंट अफेयर जो मंथली करंट अफेयर वाली हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और उसमें मंथली वाले को उठाइए, उसमें मैंने सारी कुछ जो है डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। ये जस्ट एक रिवीजन हो रहा है। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एज पर सेंसस 2011 डाटा विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैगर्स। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा बैगर्स हैं।
2011 के अकॉर्डिंग, हुज बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड एज सोशल जस्टिस डे ऑन 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को सोशल जस्टिस डे जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं इनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ऑन मार्च 23, 2018 वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रूज शिप सिम्फोनी ऑफ द सीज वाज डिलीवर्ड टू US कंपनी रॉयल कैरेबियन क्रूज लिमिटेड बाय फ्रेंच शिप बिल्डर STX। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द शिप? तो 1.3 बिलियन डॉलर की कॉस्ट से जो बिगेस्ट क्रूज शिप बनाई गई सिम्फोनी ऑफ द सीज, इसको फिलहाल डिलीवर कर दिया गया है US कंपनी रॉयल कैरेबियन क्रूज को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन बैंक ब्रांचेस? तो यूके जो है, यूके में हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन बैंक ब्रांचेस हैं, इंडियन बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं यूके में। नेक्स्ट हमारे पास है, विच एयरपोर्ट हैज रिसीव्ड मोस्ट इंप्रूव्ड एयरपोर्ट अवार्ड इन द एशिया पैसिफिक रीजन इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2017 ऑर्गेनाइज्ड बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसे मिला मोस्ट इंप्रूव्ड एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। और इसमें जो है एयरपोर्ट जो सर्विस है ये इसमें जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है, सर्विसेज जो हैं काफ़ी अच्छी हैं, तो उस वजह से इसको ये अवार्ड दिया गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 2018 Formula 1 ग्रैंड प्रिक्स? तो Formula 1 ग्रैंड प्रिक्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में होगा 25 मार्च 2018 से। ये फिलहाल कंप्लीट हो चुका है क्योंकि अभी तो हम इसको अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये पुराने हमारे मार्च के करंट अफेयर हैं, ठीक है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये गेम्स होनी थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स लेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM सरमत? तो सरमत जो है ये रसिया की जो मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो लेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये है रसिया की सरमत मिसाइल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड फायर इंडिजीनियसली डेवलप्ड सब मैरिन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल SLCM बाबर? तो बाबर जो है ये पाकिस्तान की मिसाइल है जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी कि इंडिया से बनी हुई है। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गन इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग में एक जो इंटरस्टीटियम जो है ये डेवलप किया गया, तो आपने याद रखना है न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गन जो है ये है ह्यूमन बींग में, और इसका नाम है इंटरस्टीटियम। और ये कुछ थे हमारे आज के करंट अफेयर, एंड होप सो कि आपने काफ़ी इन्जॉय किए होंगे आज के लेसन को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें आप इन्हें शेयर कर सकते हैं। और साथ में जो है, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। इस PDF, इस जो करंट अफेयर है इनके PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक ग्रुप का, जहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको डेली की PDF मिलती रहेगी। तो फिलहाल जो है आज के इस लेसन में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एंड जय हिंद।